फ्रेंड्स, वेलकम बैक बीसीए स्टूडेंट चैनल। आज हम देखने वाले हैं विजुअल बेसिक डॉट नेट के अंदर पहला पार्ट हमने देखा। उसके थोड़ा अब जाते हैं, हम दो अलग अलग टेबल लेते हैं। दो अलग अलग टेबल को हम ज्वाइंट करके डेटा डिस्प्ले करना है, वैसा जो हमें इनर ज्वाइन करना है। दो टेबल को फॉरेन के थ्रू हम कर रहे थे, अब हमें इनर ज्वाइन करके कैसे हम डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं वो हमें देखना है विजुअल बेसिक डॉट नेट के अंदर। तो हम डॉट नेट के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा है, ओके, क्वेश्चन के अंदर क्या है, तो हमें एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है। उसके अंदर हमें एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है, उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी और जेंडर है। और दूसरा टेबल के अंदर हमें क्या लिखना है, तो डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और सिटी है। तो उसके अंदर हमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की क्वेरी करनी है। और दूसरा क्या करना है, एक हमें क्वेरी दी गई है कि उसके अंदर जिस जो एम्प्लॉय है वो वर्क करना होगा, सेल्स के अंदर वर्क करता होगा, और उसका डिपार्टमेंट है सेल्स 20,000 से कम, वो डिस्प्ले करना है। तो हम मैं एक एक्सेस अब बता देता हूँ मैं आपको, एक्सेस के अंदर मैंने कितना डिटेल डाला हुआ है। एक्सेस के अंदर मैंने ये दो टेबल क्रिएट किए हैं, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, ये दो टेबल मैंने क्रिएट किए हैं। एम्प्लॉय के अंदर मैंने डाली है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी और जेंडर। और जेंडर के अंदर मैंने लिया है येस और नो। मैं आपको दोनों तरफ से लेने का कहा था, अब जो भी ले हो, यहाँ पे ये जो है वो सब मैंने ले लिया है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी और योर जेंडर। और डिपार्टमेंट लास्ट में है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आईडी, नेम और सिटी है। तो मैंने भी यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर मैंने लिया है डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और सिटी। तो हम आगे बढ़ते हैं, ओके। ये मैंने डिजाइन किया है एम्प्लॉय के अंदर, मैंने अलग अलग किया है, मैंने थोड़ी सिस्टम अलग की है, एक के अंदर करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन एड विंडो फॉर्म, न्यू एड वीडियो विंडो फॉर्म करके न्यू विंडो फॉर्म के अंदर हम करेंगे फिर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल फॉर्म्स और उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी और जेंडर, ये सब कुछ डाल दिया है। तो ये मैंने, आप देखेंगे नेक्स्ट कहाँ यूज़ होता है, तो मैं आपको ये कोडिंग में ही दिखाऊंगा, ओके। तो हम अब बढ़ते हैं आगे इसके कोड की तरफ। क्या है, तो मैंने OLEDB जो इंपोर्ट किया है, जो मैंने एक्सेस का है OLEDB, बाद में मैंने कनेक्शन किया है str नाम का वेरिएबल जिसमें मैं सब कुछ वैल्यू डालूंगा और वो मैं प्रिंट कराऊंगा और डेटा गेटवे के अंदर। दूसरा है ये सभी, और यहाँ पे अब मैं आपको दिखा दूंगा, ये डिस्प्ले का है जहाँ से ये मैं डेटा गेटवे के अंदर डेटा वो डिस्प्ले होगा। और इस तरह का मैंने सिलेक्ट ऑल सब कुछ, एम्प्लॉय टेबल है तो एम्प्लॉय टेबल का डिस्प्ले, एम्प्लॉय का डिस्प्ले होना चाहिए। और CMD जो मैंने यहाँ पे कमांड OLEDB कमांड है वो वैसे मैंने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करना भी आपको आता ही है। और डेटा ये ग्रिड व्यू के अंदर ये मैंने डिस्प्ले करा दिया है। आगे है रेडियो बटन, यहाँ पे ट्रू नहीं है तो फॉल्स है। और बाद में है यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया करा दिया, इंसर्ट इन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के टेबल में इंसर्ट करना है। टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो है वो आईडी, टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर है नेम, टेक्स्ट बॉक्स 3 के अंदर जो मैंने डाला है आईडी डिपार्टमेंट का, और टेक्स्ट बॉक्स 4 और यस और नो, और ऐसा मैंने डाला है इंसर्ट का, ये है अपडेट का, और यह है डिलीट का। डिलीट में सिर्फ ये चाहिए कि जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर डाला है आईडी उसकी सभी डिटेल डिलीट हो जानी चाहिए, तो डिलीट हो जाती है, वैसे ही मैंने फिल किया है। बाद में ये जो मेन मैंने कहा था नेक्स्ट का, वो क्या काम लगेगा, तो मी डॉट हाइड, हाइड होना चाहिए क्या, तो जो अभी करंट चल रहा है फॉर्म वो हाइड होना चाहिए। और ये सेकंड नंबर का जो फॉर्म है वो शो होना चाहिए, वो ये इतना आप करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे, फर्स्ट हार्ड हो जाएंगे और सेकंड नंबर की जो फॉर्म है, डिज़ाइन है, वो शो हो जाएगी आपको। अब मैं आपको रन करके बताता हूँ कि कैसा होता है। उसके पहले हम सेकंड फॉर्म लिख लेते हैं, ये है सेकंड फॉर्म। इसके अंदर मैंने किया डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और सिटी, तीन जो मुझे लेना था वो ले लिया। और सर्च करना है हमें इस क्वेरी के, क्या है कि जिसका सेल्स, जिसका डिपार्टमेंट सेल्स है, डिपार्टमेंट नेम उसको, और उसमें 20,000 से और लेस देन जो उसकी सैलरी हो वो मुझे डिस्प्ले करना है। तो ये सर्च किया हो गया। और अब ये मैं डिज़ाइन पे जाता हूँ, इसका भी मैंने कनेक्शन कर दिया है स्ट्रिंग जहाँ पे मैंने सब कुछ वैल्यू स्टोर कराऊंगा और उसको डिस्प्ले कराऊंगा वो बाद में। यहाँ पे कमांड ये देखो, ये मैंने किया है ज्वाइन, ये पूरा मैंने ज्वाइन किया है, एम्प्लॉय आईडी है, ये सब कुछ ज्वाइन का है, यहाँ पे मैंने ज्वाइन की कराया है। आप ध्यान से देख सकते हो इसको ज्वाइन कैसे किया है, इनर ज्वाइन को यूज करते मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। और यहाँ पे मैंने जो हमारी क्वेरी है, तो क्वेरी के अंदर मुझे जिसकी सैलरी
यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एम्प्लॉय नेम ही डाला है, लेकिन सैलरी हमें कहाँ से लानी है, तो एम्प्लॉय में से सैलरी लानी है, तो यहाँ पे भी मुझे कनेक्ट कराना पड़ेगा कहाँ पे, एम्प्लॉय नाम के टेबल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय नाम के टेबल को कनेक्ट किया है, तो ये है एम्प्लॉय नाम का टेबल, यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है, और यहाँ पे मैंने डेटा ग्रिड व्यू के अंदर जो आंसर आएगा वो डिस्प्ले किया है, और दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा ये इंसर्ट का क्वेरी है, ऐसे ही अपडेट का और डिलीट की क्वेरी तो आपको आती ही है, लेकिन सिर्फ जो आपको करना था वो यहाँ पे था मेन, कि कैसे कनेक्ट करें, कैसे हमें ये डिस्प्ले कराना है, बस इतना ही, दूसरा तो सब आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट का आता ही है, और मैंने फर्स्ट फॉर्म के अंदर भी आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट का बता ही दिया है, तो वो तो आपको आता ही होगा। ओके, अब हम रन करके देख लेते हैं कि कैसा व्यू है इसका। ओके, तो कुछ इस तरह का व्यू मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने जो डिटेल दो एंटर की हुई है वो तीसरी में डिटेल ऐड करता हूँ, नेम कुछ भी मैंने डाल दिया है, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी वो भी मैं 3 डाल देता हूँ, सैलरी सैलरी 98,500 डाल दिया, और यहाँ पे मेल कर देता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कंप्लीट सक्सेसफुली यहाँ पे डेटा एंटर हो चुका है, और यहाँ पे मुझे अपडेट करना है, तो अपडेट में यहाँ पे मैं फीमेल कर देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। ओके, तो ये फीमेल हो चुका है, इसमें मुझे ये थर्ड डिलीट करना है, तो डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गया। अब मैं इसको फिल करना है, यहाँ पे मुझे दूसरा नंबर का जो डेटा है वो मुझे फिल करना है, तो 2 नंबर और फिल पे क्लिक किया तो ये दूसरा नंबर का जो डेटा है वो मुझे फिल हो गया है। अब मुझे आगे मैंने कहा था ये नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट फॉर्म पे पहुँच जाऊँगा, तो ये नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया और मैं ये नेक्स्ट फॉर्म पे पहुँच चुका हूँ, दूसरा फॉर्म के अंदर। ओके, और दूसरे फॉर्म है इसमें क्या है, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ आईडी डिपार्टमेंट नेम और सिटी ही है, तो आईडी डिपार्टमेंट नेम और यहाँ पे ये सिटी वही डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम वो सभी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, मुझे हमने ज्वाइन किया है टेबल को, यहाँ पे ऑलरेडी 2 डेटा यहाँ पे डिस्प्ले है, यहाँ पे मैं थर्ड डेटा है, इसके पहले मैं सर्च कर देता हूँ, देखो ये सर्च के इवेंट के यहाँ पे मैंने बटन के इवेंट के ऊपर ही मैंने ये कर दिया है सर्च का, मीन्स जिसका नेम डिपार्टमेंट नेम सेल्स है और जिसका सैलरी 20,000 से कम है वो मुझे डिस्प्ले करा दो, तो ये ही यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो इस तरह से पूरा हमारा जो तो इस तरह से हमारा पूरा व्यू है, इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत है यहाँ पे ज्वाइन में आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप खुद कीजिए, नहीं होता है तो आप मुझे कहिए, मैं आपको हेल्प करूंगा, लेकिन ज्वाइन बहुत ही सिंपल है और एग्जाम के अंदर अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कोई भी आपको दिक्कत होगी तो आप मुझे कह सकते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी नारायण।